भिवंडी कॉरपोरेशन मॉनसून से पहले सभी धोखाधड़ी की इमारतों पर तोड़क कार्रवाई को काफी गंभीरता से ले रही है। भिवंडी में पिछले साल तक टोटल 1243 ऐसी इमारतें थीं जिनकी हालत बेहद खस्ता हो गई थी और एक साल में कॉरपोरेशन वर्कर्स ने 350 से भी ज्यादा इमारतों पर कार्रवाई की थी और इस साल भिवंडी में टोटल 894 धोखाधड़ी की इमारतों का पानी और पावर बंद करके रहवासियों को इमारत खाली करने का फाइनल नोटिस जारी किया जा रहा है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में सिलसिलावार ट्रेन ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक बेगुनाह स्कूल टीचर अब्दुल वाहिद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी कोशिशें करने के बाद अब्दुल वाहिद बेगुनाह साबित हो गए थे लेकिन उनके बाकी साथियों को बेगुनाह ही नहीं मिली, जिसके बाद अब्दुल वाहिद ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल बेगुनाह कैदी है। इस किताब में उन्होंने अपने साथ होने वाले जुल्म वगैरह बयान किए हैं और अब अब्दुल वाहिद के इस पूरे सफर पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है हीमोलिम्फ द इनविजिबल ब्लड। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और 27 मई को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस दो स्टेप में होने की संभावना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के ताल्लुक से कई इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स जारी किए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 17 मई तक वार्ड रचना फाइनल करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही इलेक्शंस दो स्टेप में भी हो सकते हैं। पहले स्टेप में 6 महीने या 1 साल वाले कॉरपोरेशंस के इलेक्शन होने के चांसेस हैं और हाल ही में खत्म होने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस दूसरे स्टेप में हो सकते हैं। भिवंडी के नदी नाका माडा कॉलोनी गली नंबर 2 की ये वीडियो हमारे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने हमें सेंड की है और ये जानकारी दी है कि रोज रात में यहाँ गटर का पानी बहता है जिससे काफी परेशानियाँ होती हैं। वहाँ की जनता कॉरपोरेशन से इस पर एक्शन लेने की अपील कर रही है। भिवंडी बंजारपट्टी नाके पर कार का एक्सल टूटने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और अंदर बैठे 2 लोग जख्मी हो गए जिन्हें इलाज के लिए अलराजी हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हादसे की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम भी रही जिसको देखते हुए पब्लिक ने खुद उस कार को धक्का लगाकर किनारे किया। लाउड स्पीकर मामले में एक बार फिर बोले एमएनएस चीफ राज ठाकरे। राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे और एमवीएस सरकार पर निशाना साधते हुए वार्निंग दी है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। राज ठाकरे ने कहा कि करीब 28,000 एमएनएस वर्कर्स को प्रिवेंटिव नोटिस जारी किया गया है जबकि हजारों को निकाल दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के एमएनएस वर्कर्स पर कार्रवाई को लेकर राज ठाकरे ने नाराजगी जताई। जून या जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा बताया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने इस बारे में बताते हुए कहा कि स्टेट में कोरोना मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और जून या जुलाई में चौथी लहर का भी खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में मिनिस्टर ने सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि फिलहाल महाराष्ट्र में मास्क लगाना जरूरी नहीं किया गया था लेकिन आने वाले हालात देखकर इसका भी फैसला किया जाएगा। कशेली टोल नाके पर भी हुआ एक सड़क हादसा जिसमें एक गाड़ी बीच रोड पर पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है लेकिन बीच रास्ते पर गाड़ी पलटने से ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई है। यह हादसा आज सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। 2 दिन पहले हमने ओल्ड मेट्रो होटल भाजी मार्केट के रहने वाले 60 से 65 साल के अब्दुल मजीद के गायब होने की खबर चलाई थी जिसके बाद ये जानकारी मिली है कि इन्होंने अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट कर लिया है। ये कोलकाता अपनी बहन के घर चले गए थे और वहाँ पहुँच कर अपने घर वालों से कॉल पर बातचीत की। भिवंडी के बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर आज सुबह 6 बजे के करीब 2 कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है लेकिन दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।